हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। तो दोस्तों, आप अगर कोई नया नंबर जो है लेने जा रहे हैं किसी भी नेटवर्क का, जो कि हो सकता है एयरटेल, वोडाफोन, जियो या कोई भी, तो यार एक चीज़ ना हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि यार मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। मैंने जो है एक नंबर लिया था अभी कुछ टाइम पहले एयरटेल का, और मैंने किसी ऑनलाइन सर्विस के थ्रू जो है डिलीवरी ली थी घर पर उस नंबर की। तो डिलीवरी, पेमेंट, वो सब तो काफ़ी स्मूथ था, और जो स्पेसिफाइड टाइम मुझे दिया गया था वो भी जो था बिल्कुल एग्जैक्ट था, उसी टाइम डिलीवरी हुई। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो इंसान, जो बंदा मुझे नंबर देने आया, डिलीवर करने आया, उसने मुझे जो है अपने मोबाइल में करीब 4, 5, 8 नंबरों का सिलेक्शन जो है, नंबर मतलब उसने मुझे चूज़ करने के लिए बोला। उसने मुझे ऑप्शंस दिए कि ये नंबर जो है आप चूज़ करें। सबसे पहले तो आपको चूज़ करना है कि आपको किस कंपनी का नंबर चाहिए। तो वो मैंने चूज़ किया था एयरटेल का, तो एयरटेल का मुझे नंबर मिले चूज़ करने को। उसके बाद दोस्तों, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी, आप चीज़ ज़रूर ध्यान देना, नंबर जो है मैंने एक चूज़ किया, और मैंने क्या किया, वो नंबर तुरंत लेके पेमेंट की, और नंबर वो मेरा हो गया आईडी देने के बाद, फ़ोटो क्लिक कराने के बाद। तो अब इसमें गलती मेरी ये हुई, जो मुझे 4-5 दिन बाद पता लगी कि दोस्तों, जब नंबर शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी जो है अननोन नंबर से कॉल आने लगे, और लोगों ने मुझे बोला कि आपने जो मेरा पैसा मार लिया है वो पैसा मुझे वापस दे। अब मुझे यार नया नंबर लेने के बाद यही नहीं पता कि ये नंबर था किसका या है किसका, तो यह मैं कैसे मतलब इसको सिचुएशन को डील करूं। तो सारे अननोन नंबर से मुझे हर दिन कॉल आने लग गए कि ये मेरा आपने पैसा लिया था, 10,000 रुपये लिए थे, कोई कह रहा है 50,000 लिए थे, तो ये पैसा जो है मुझे वापस दीजिए। तो यार मैंने सोचा, यार ये नंबर तो मैंने अभी 2 दिन पहले लिया है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही कहूँगा कि जब भी आप कोई नंबर लें, हमेशा जो है उस नंबर को एक बार ट्रू कॉलर में नंबर डाल के सर्च कर लें, क्योंकि जब मैंने ये नंबर अपना डाला तो उसमें ऑलरेडी 100 स्पैम्स बुक हुए हुए थे। मतलब वो नंबर से अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ तो उसमें आता है स्पैम नंबर। तो ये नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार नंबर, और ये स्पैम नंबर है, रिजेक्टेड नंबर है। तो ये गलती आप लोग मत कर देना, समझ गए ना मेरा जो कहने का मतलब है, कि नंबर लेने से पहले हमेशा इसे ट्रू कॉलर में सर्च कर लो कि वो नंबर पुराना था किसका, या क्या वो नंबर स्पैम तो नहीं है। क्योंकि ये भारी गलती मुझसे हुई, और मैंने जो है उसमें एक ईयर का जो प्लान ले लिया था, तो अब मुझे एक साल का जो प्लान लिया हुआ है तब तक के लिए मुझे नंबर चलाना होगा, उसके बाद मैं ये नंबर बंद करा दूंगा, क्योंकि किसी फ्रॉड इंसान का ये नंबर था जिसने फ्रॉड करके ये नंबर जो है बंद करा दिया। और अब मैंने जब ये शुरू कराया तो जितने फ्रॉड उसने किए थे उन सभी लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लग गए कि भैया हमारा पैसा वापस दो। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो कोई भी आप नया नंबर ले, एक बार बस 2 मिनट का काम है, उसे ट्रू कॉलर में डाल के सर्च कर लीजिए, और कुछ मत कीजिए, तभी आपको पता लग जाएगा कि क्या वो नंबर सेफ है या नहीं है। तो बस दोस्तों, इतना ज़रूर कर लीजिएगा और आप जो है फालतू की टेंशन से बच जाएंगे। बस दोस्तों, इतना ही बताना था, चाहता था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं, जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हो सके। तो अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूँगा मैं आपसे कल फिर नई बड़ी खबर के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।